हेलो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ प्रॉन्स मसाला करी। ये थोड़ी डिफरेंट करी है, इसमें मैं शिमला मिर्च डाल के करूँगी। प्रॉन्स मसाला करी बनाने के लिए ये रहे प्रॉन्स। ये मैंने 5 कैप्सिकम लिए हैं। इसको मैंने ऐसे ही कट किया है, देखिए सिर्फ ऊपर से निकाला है और अंदर से पूरा साफ़ करके सब निकाल के बीज निकाल के साफ़ किया है। ये 2 स्मॉल टोमेटोज, 2 बड़े ऑनियन, कोरिएंडर, ये मैं बाद में चॉप करके डालूँगी। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 ग्रीन चिलीज। अभी चलिए हम लोग बनाते हैं। फ्राइंग पैन गरम हो गया है, अब हम इसमें ऑलिव ऑयल डालते हैं। ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें ऑनियन डालते हैं। थोड़ा सा नमक डालते हैं। नमक डालने से जल्दी पक जाता है ऑनियन। ऑनियन पक गया है, अब हम इसमें टोमेटो डालते हैं। और इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते हैं। हमारा टोमेटो भी बहुत अच्छी तरह से पक गया है, अब हम इसमें प्रॉन्स डालते हैं। इसे अच्छी तरह मिलाना है। ये देखिए हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है, अब इसमें हमें मसाला डालना है, वो भी नारियल का मसाला। ये देखिए, ये मैंने पीस कर रेडी किया है और इसकी रेसिपी इसमें क्या क्या लगता है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे कड़ी मसाला बनाने के लिए 2 बड़े प्याज ऐसे ही मोटे मोटे कट करना है, 1 छोटा नारियल और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। अब हम इन्हें रोस्ट करते हैं। चलिए अभी हम गैस ऑन कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। ये गरम हो गया है, हम अब इसमें लहसुन डालेंगे। अभी हम इसमें ऑनियन डालेंगे। ये थोड़ा लाइट ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। ये देखिए ऑनियन ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें नारियल डालते हैं।
नारियल भी हमें लाइट ब्राउन होने तक रोस्ट करना है ऐसे ही। और ये मिक्सचर हमें ग्राइंड करना है मिक्सर जार में डाल के। ये देखिए मिक्सचर ये रेडी हो गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर इसको पीसेंगे। अभी ये मसाला इसमें डालते हैं। मसाला पीसते समय मिक्सर में पानी के साथ आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच गरम मसाला पाउडर डालना है। हमें इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। चलिए ये मिक्सचर अभी हम इसमें भर देते हैं। ऐसे भर के हमें इनको फुल करना है। ये ऐसे हाथ से भी डाल सकते हैं, मैं हाथ से डालना प्रेफर करती हूँ। ये ऐसे अंदर दबा के डालना चाहिए, नहीं तो अंदर से खाली रहता है, सिर्फ ऊपर ऊपर रहता है, इसलिए ऐसे दबा के डालना है हमें। पूरा फिल करना है। ये मैंने कैप्सिकम फिल करके रखा है। अब हम कड़ी बनाने के लिए लेते हैं। चलिए अभी हम इसमें एक कैप्सिकम डाल देते हैं। मैंने दो और कैप्सिकम ऐड की है। और ये मसाला भी हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए मैंने पूरा मसाला इसमें डाल दिया है। अभी मैं गैस चालू करती हूँ। और ये ग्रीन चिलीज अभी मैं इसमें डालती हूँ। ये अभी पकाएंगे हम लोग ढक के। ये देखिए गाइस पक रहा है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए क्योंकि कैप्सिकम पानी छोड़ देता है। फिर से इसे ढक के पकाएंगे। थोड़ा सा नमक डाल दिए। ये देखिए अब ये बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसमें कोरिएंडर डालते हैं। थोड़ा धीरे से ही मिलाना पड़ेगा। ये देखिए अब ये बिल्कुल रेडी है। मैं अभी इसे सर्व करती हूँ। चलिए गैस बंद कर देते हैं।
ये रहा मेरा कैप्सिकम प्रॉन्स मसाला करी। गाइस आप ज़रूर बनाना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।